हाय गाइस, वेलकम बैक टू नायर एफएम चैनल। सो कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, अभी हम बाहर आ गए हैं, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप भी आ रही है और एकदम से ठंडी हवा भी आ रही है। और नायरा अपना हमेशा की तरह स्टेयर्स पे चढ़ चढ़ के जा रही है, और ये दूसरा हैंड इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मॉर्निंग में इसने मेरे से नेल पेंट लगवाई है। नेहरू, नेल पेंट दिखा ना, नेहरू नेल पेंट। नेहरू ने अपने हैंड्स पे नेल पेंट्स लगवाई है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की और इतनी हैप्पी हो रही थी क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने लगाई है। बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ रही थी, मम्मा प्लीज़ नेल पेंट लगा दो, नेल पेंट लगा दो। मैं लगाती नहीं थी तो मैंने सोचा चलो आज लगा ही देती हूँ। तो आज इसके दादू दादी से बात करते हुए तो अपने दादू दादी से भी बोलने लगी नेल पेंट लगानी है, तो दादू की अप्रूवल मिलने के बाद नेहरू ने लगा ली नेल पेंट। तो अभी उस हाथ को ना ऐसे ऐसे ले लेके घूम रही है कि मेरी नेल पेंट ख़राब हो जाएगी, और एक घंटा हो चुका है उस नेल पेंट को, पर अपने हाथ को यूज़ नहीं कर रही, ख़राब हो जाएगी। और अभी भी मिट्टी में एक ही हैंड से खेल रही है। सो बस अब थोड़ा सा वॉक वगैरह करके ठंडी हवा खा के फिर जाते हैं अंदर। और वैसे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, अभी बस लंच करना है। लंच जब नायरा सोएगी तो लंच मैं बनाऊंगी। अभी मैंने मॉर्निंग में आज कुछ बनाया नहीं है, देखती हूँ क्या बनाऊँ, अभी वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, वो भी अंदर जाके अभी डिसाइड करना है। नायरा बहुत हैप्पी हो रही है इधर से उधर भाग भाग के, और मैंने बोला ना आपने उस हैंड को यूज़ नहीं कर रही, देखो उस हैंड को ऐसे ले लेके घूम रही। नायरा व्हाट आर यू डूइंग? सारा सामान हट गया यहाँ से। हाँ बेटा उन्होंने क्लीनिंग की है ना, आंटी ने क्लीन कर दिया सारा, मिनिमम कर दिया सारा सामान। हाँ बेटा नानू को बुद्धू बना दिया सामान हटा के। इसको एक्चुअली जब भी हम कुछ सामान वामान नहीं देते ना तो ये हम इसको ऐसे बोलते बुद्धू बनाया, तेरे को बुद्धू बनाया। तो यहाँ से उन्होंने सामान क्लीन किया होगा अपना, बहुत सारा सामान रखा था, तो बोल दिया मम्मा सारा सामान हटा दिया, बुद्धू बना दिया नैनू को, नैनू को बुद्धू बना दिया। हाँ अब ये क्लीन करेंगे बेटा पूरी टेबल अच्छे से, वो धीरे धीरे इस गार्डन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो इसलिए ये सब आप क्लीन करेंगे। सो मैं नायरा के साथ थोड़ा सा वॉक करती हूँ और उसके बाद घर के अंदर जाते हैं। सो गाइस, हमारा कुछ सामान आया था तो ये उसके अंदर बैग पॉली बैग से पट पट बज रहा है, तो नायरा इतनी हैप्पी हो रही है। यहाँ पे हाँ यहाँ पे करो ये। सो अभी हमारा कुछ सामान आया था तो नायरा उसी पॉली बैग पे एकदम से खड़ी हुई ना तो वो एकदम से बज गया टक टक, तो नायरा एकदम से इतनी हैप्पी हो गई और तब से बजा के सारा ख़त्म कर दिया। तो मुझे याद है क्यों ना वीडियो बनाई जाए नायरा के लिए, और नायरा अभी भी उसको देख रही है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हम लोगों ने तो अपना लंच कर लिया था, अब नायरा उठी है तो नायरा को लंच करा रहे हैं, और मैं नायरा को दिखाती हूँ कर क्या रही है। वो कर बस अभी अभी उठी है नायरा। दिस बनाना। एंड व्हाट इज दिस? वेरी गुड। व्हाट इज दिस? नायरा यहाँ पर खड़े होकर ये चेयर सेट करवाती है मेरे से कि चेयर सेट, ये चेयर सेट कर दो यहाँ पर, और ये चेयर सेट करके यहाँ पर से ये पूछो फ्रूट्स नेम कि कौन कौन सा क्या क्या है, तो ये यहाँ पर खड़े होके यही करती है। और अभी इसको ये दिख गया है तो अब ये सारे पेपर निकालेगी इससे पहले ये सारा खराब करे। तो मैं इसकी रोटी भी बनाती हूँ, मेरा तवा भी पीछे हो गया है, और वनीला कर्ड एंड रोटी देती हूँ। नायरा को वनीला कर्ड पसंद है तो आज नायरा वो ही खाएगी, तो मैं इसका खाना खिलाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हम लोगों का लंच हो गया है और नायरा ने भी अपना लंच कर लिया है, और नायरा अपना एंजॉय कर रही है मोबाइल हमेशा की तरह। इसको मोबाइल चाहिए होता है, मोबाइल दे दो भाई, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। अब देखना कैसे गुस्सा दिखाएगी। नहीं दे रही मम्मा, नहीं दे रही मम्मा। नरू नाराज कैसे होती है? ये इसका गुस्सा है इस टाइम पर जो मुझे घूरती रहेगी और कैमरे को घूर रही है कि मैं क्या करूं ऐसा। इस टाइम ये बहुत गुस्से में है कि मेरा फोन ले लिया है।
सुना रहा है गुस्से में, तो मैं जरा अपना काम करूँ। ये तो मैडम मोबाइल में लगी रहेगी, इसके लिए टीवी चला देती हूँ, ये टीवी देखेगी और मैं अपना काम करूँगी। तो दे, अभी मैं सोची क्यों ना मैंगो शेक पिया जाए, तो अभी मैं मैंगो शेक बनाने जाती हूँ, नायरा को भी पिलाती हूँ। मैं बना रही हूँ अपना मैंगो शेक। हम उस दिन इंडियन स्टोर गए थे तो हमें मैंगो दिख गया, तो हमने 4 मैंगो ले लिए तो क्योंकि यहाँ पर मैंगो इतने अच्छे नहीं मिलते हमें, मतलब समझ नहीं आता है यहाँ के। जो लेकर आए थे हम एक बारी, तो वो इतना टेस्टी नहीं था। लिडल से जब मैंने बोला था कि मैंगो मिला है हमें, वो टेस्टी नहीं था, तो इसलिए हम इंडियन स्टोर से लेकर आए। एक मैंगो तो मैंने खाया था तो वो अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैंगो शेक बनाया जाए। तो अब मैं इसका एक का मैंगो शेक बनाऊंगी और मैंगो शेक पियेंगे। देखते हैं नायरा पीती है कि नहीं। वैसे वो पीने के मूड में लग नहीं रही मुझे, क्योंकि वो इस टाइम पर खा रही है कैंडी। मैं बाहर ले जा रही थी उसको, तो उसने बोला मम्मा कैंडी दे दो, तो मैंने कैंडी दे दी। चलो वो इस बहाने वॉक कर लूंगी मैं। मेरा मैंगो शेक रेडी है, पीछे इसकी गुठली पड़ी है, वो बाद में खाएंगे, और मेरा मैंगो शेक रेडी है। तो मैं अपना मैंगो शेक एंजॉय करती हूँ और नायरा को पिलाने की कोशिश करती हूँ कि वो पीती है कि नहीं। मुझे पता है वो नखरे दिखाएगी, ऐसी चीजें देख के उसको लगता है कि ये दूध से मिली हुई है या कुछ दूध से रिलेटेड है, तो वो दूर भागती है ऐसी चीजों से। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको 1-2 स्पून या जितना भी वो पिए थोड़ा सा तो कुछ खाए फ्रूट्स में, नहीं तो वो बनाना ही ज्यादा प्रेफर करते कि बनाना ही खिलाओ, उससे ज्यादा मुझे एक्स्ट्रा कुछ खिलाने की कोशिश मत करो। सो मैं अपना मैंगो शेक एंजॉय करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया और नायरा ने भी अपना डिनर कर लिया है, तो इसी के साथ हम आपको कहते हैं से गुड नाइट। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय, फ्लैंक किस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपको मिलता है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।